भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय पर सहजनवा विधायक शीतल पांडे की जगह गोरखपुर के क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला के सहजनवा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिसके संबंध में सहजनवा से भाजपा के भावी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि मुझे सहजनवा से प्रत्याशी बनाया गया है तथा सहजनवा की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा दर्जा प्राप्त व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि जो देश व प्रदेश नेतृत्व ने गोरखपुर क्षेत्र के लिए निर्णय लिया है इससे काफी अच्छा परिणाम आएगा क्योंकि जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप शुक्ला सहजनवा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इससे एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ा है तथा प्रदीप शुक्ला गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री हैं। उन्होंने बताया कि प्रदीप शुक्ला पार्टी के लिए निरंतर मेहनत किए हैं, उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पुष्पदंत जैन ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र से पिछली बार से भी ज्यादा विधायक जीत करके लाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी और योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं सहजनवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने कहा, बहुत ही सुंदर फैसला हुआ है और हमारा प्रदेश नेतृत्व और देश नेतृत्व ने जो यह निर्णय लिया है गोरखपुर क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा और क्योंकि जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है वह अपने आप में बहुत ही सुंदर हुई है और जिन लोगों को दिया गया है वह बहुत ही अपने आप में अच्छे कार्यकर्ता हैं और तमाम हम लोगों के ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है जो सचमुच ही मतलब उसके दावेदार थे और जनता भी उनको चाहती है। आज हमारे बगल की गोरखपुर के बगल की सहजनवा की सीट माननीय प्रदीप शुक्ला जी को मिली है, यह अपने आप में एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ा है। प्रदीप शुक्ला जी हमारे गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री हैं और उनके अंदर मतलब कार्य करने की इतनी लगन है और हमेशा जब से आए हैं पार्टी में तब से मतलब निरंतर बहुत ही अच्छा स्वभाव और इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं कि जितनी सराहना की जाए उतना कम है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यह गोरखपुर क्षेत्र में पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से हम लोग विधायक जीत करके लाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी और पुनः हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, मुख्यमंत्री पुनः योगी जी बनेंगे और हम सब जनता से यही आग्रह करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है उसको देखते हुए आप फैसला लें
और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में मदद करें, यही मेरी आप सबसे विनती है। और आज के दिन आप सभी जनता को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वह अपने प्रदेश में एक अच्छा नेतृत्व तो बनाया। आज सभी में शीर्ष नेतृत्व को, सभी प्रदेश सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि मुझे सहजनवा से प्रत्याशी बनाया गया। सभी सहजनवा के जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं।